नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दिवाली के दिन चाहे जान चली जाए, भूल कर भी ना देना यह एक चीज, लक्ष्मी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछताने के सिवा कुछ ना बचे। दीपावली का त्यौहार बस आने को है, कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, घर की साफ सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे हैं होंगे और कई लोग गिफ्ट भी देते हैं धनतेरस और दीपावली के दिन। तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आप यानी दे देते हैं गिफ्ट में जो जाने अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं, तो आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बरसात करेंगी अगर आप ये ध्यान देते हैं तो। आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएँ जो किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन आज हम आपके साथ संपूर्ण बातें साझा करेंगे। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं देना है। धनतेरस सिंपल से तरीके से आप पूजा करें और फिर दीपावली के दिन विधिवत माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ये बात, धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं तो गणेश जी लक्ष्मी दोनों की एक स्टैंड पर मूर्ति मत लाइएगा। अलग अलग दोनों की एक स्टैंड पर मूर्ति मत लगाइएगा। अलग अलग यानी कि आप इनकी मूर्तियां लगाएं, लक्ष्मी अलग और कमल में बैठी हुई, खासकर खड़ी मूर्ति भी आप गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी का सूंड बाईं तरफ हो, यानी कि लड्डू जिधर होता है यानी जो प्रसाद चढ़ाते हैं लड्डू वगैरह वो होता है सामने, उस तरफ धनतेरस दीपावली की पूजा आराधना करते हैं तो इस दिन सौभाग्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, हर इच्छा पूरी होती है। कुछ सावधानियां भी आपको बरतना है, आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश माता लक्ष्मी जी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए, बाया स्थान जो है श्री हरि विष्णु जी का होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिनी तरफ बैठी रहेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी, धनतेरस दीपावली की पूजा में इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैठी हुई मूर्ति लाइए, क्योंकि ये स्थिर लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। और जब भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर रखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि उनका फेस दरवाजे की तरफ यानी अंदर की तरफ होना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं, और इसलिए मूर्ति को हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखें। ये जरूर आप ध्यान दें कि पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं, और आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिएगा माता लक्ष्मी जी की, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से काले गहरे रंग के पैंट या फिर कपड़े मत पहनिएगा, गुलाबी हल्का सा पीला लाल रंग आसमानी रंग इस टाइप के आप कपड़े रंग चूज कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं, आप घर में रहती हैं कोई शुभ पुराना बेकार जैसे सामान पड़ा है, कूड़ा है, कचरा है या कपड़े वगैरह हैं या बहुत सारी चीज़ें, तो उसे पहले ही हटा दीजिएगा और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत रंगोली बनाकर रखिएगा, सजा कर रखिएगा। जैसे आम के पत्ते का बंधन बार लगाया जाता है, खूबसूरत पेंडिंग करवाइए, सजाइए बंधन बार के साथ, तोरण लगाइए, और ज़मीन में जब आप वहाँ पर रंगोली बनाइएगा तो माता लक्ष्मी जी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा, उस घर में प्रवेश करती हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर जरूर बनाइएगा। आज हम जानेंगे, आपको बताएंगे कुछ खास बातें। इस दिन शीशे वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये राहु से संबंध रखता है, और जो गणेश जी की लक्ष्मी जी की आप मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन, तो उस मूर्ति का पूजा दिवाली के दिन जरूर करें। अगर आपने धनतेरस के दिन लिया तो अच्छी है, नहीं तो आप
दीपावली के दिन भी खरीद सकते हैं, उसका फल अच्छा होगा, लेकिन पूजा जरूर करें। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोइएगा, वरना दरिद्रता आ जाती है, गले पड़ेगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय से जलता, यानी लंबे समय तक जले, कला है। क्लेश से बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस दिन, यानी लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ और कष्ट आ सकते हैं। इस दिन प्लास्टिक की चीज़ें, लोहा वगैरह ये सब मत खरीदिएगा, स्टील भी मत खरीदिएगा। साथ ही साथ जो लोग इस दिन धनतेरस या दीपावली के दिन सिल्वर के जो चीज़ खरीदते हैं, माता लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न और खुशी की मुद्रा में रहती हैं जब इस दिन आप, जैसे कि कोई सिल्वर है या लोहा है या प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तकलीफ़ दे सकती हैं। नकली फूल, नकली यानी कि माला जो बनता है धनतेरस के दिन, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि नहीं देनी चाहिए और ना ही आपको लाना चाहिए, क्योंकि ये नकली होते हैं। आप फूल, पेड़ों से फूल तोड़कर आप इकट्ठा कर लें, माता के लिए बहुत पसंद हैं, खासकर गुड़हल का पुष्प तोड़कर लाएं। सफ़ेद वस्तु जैसे कि दूध, धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को आप ना दें। सफ़ेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको आज बचना चाहिए, यानी कि धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन नहीं देना है, धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुओं को दे देते हैं तो आनंद की जगह टेंशन भी आ सकता है, तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं ना दें, गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहिए, ना ही मांगने पर। जैसे कि कोई कई गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति आप जरूर लाइएगा, मैंने तो यानी कि लाया अपने घर में, इसलिए आप भी जरूर लाइएगा। देखिए, किसी को भी उधार कर्जा मत दीजिएगा, धनतेरस लेके दीपावली तक किसी को उधार भी मत दीजिएगा, उधार देने से बचे, क्योंकि आप माता लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, न कि दूसरों की। तो इस दिन कोई भी वस्तु ना दें, ज्वेलरी ना दें। साथ ही साथ इस दिन बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि अपने घर की जो मुख्य चीज़ें हैं वो ना दें। कोई भी कैसा कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, अगर मांगता है तो इस दिन आप सिक्के जो आपके घर में पड़े रहते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के, किसी को भी उधार में ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दीपावली, धनतेरस से लेकर दीपावली का समय बहुत ही पवित्र दिन होता है, इसलिए भूल कर भी आप दूध दही नमक मत दीजिएगा, नमक भी आता है, नमक को भी आपको किसी को नहीं देना है, तो माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाई है, अगर वीडियो को लाइक कर दें तो अच्छा है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय माँ लक्ष्मी।